जबलपुर के मैकला रिसॉर्ट हत्याकांड मामले में आरोपी हेमंत भदाड़े को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी की फिर से 5 दिन की रिमांड मिली है। ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में 8 लाख से ज्यादा की ठगी की शिकायत दर्ज है। आरोपी हेमंत ने एक व्यापारी से 8,60,000 रुपए की ठगी की थी। आज कोर्ट में पेश थी। आज किस तरीके से आरोपी को आज आपने कस्टडी में लिया, रिमांड पे लिया, किस तरीके से, कितने दिन की रिमांड है और क्या मामला? तलवारा थाने के हत्या का आरोपी अभिजीत पाटीदार और हेमंत आज न्यायालय में पेश हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रकरण में भी इसकी आवश्यकता है और हमें भी संपत्ति की रिकवरी करना है। हमने 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है। रिमांड स्वीकृत हो गया है। अब न्यायालय कितने दिन का स्वीकृत करते, डायरी प्रस्तुत प्राप्त होने के बाद में आपको बता पाएंगे। रिमांड स्वीकृत हो चुका है। पूरा मामला क्या था कोतवाली का? जो चिमनानी जी यहाँ के व्यापारी हैं, पहले आरोपी अभिजीत पाटीदार ने अपना फर्जी नाम बताते हुए इनसे व्यापारिक कारोबार शुरू किया।